हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मिस्टर राजेंद्र भल्ला जी बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैं आईसीआईसी प्रोडेंशियल की रिन्यूअल टीम से अजय बात कर रहा हूँ। सर मेरे पास डिटेल चाहिए 30 मार्च 2011 के आपने हमारी ब्रांच आईसीआईसी में एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान परचेज कराया था। अच्छा, प्लान का नाम था सर आईप्रो ग्रोथ प्लान सर। कितने का था? 50,000 का ईयरली प्रीमियम था सर। पॉलिसी में कंटिन्यू 10 साल तक रेगुलर पे आपको करना था, लेकिन आपकी तरफ से वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ है। अच्छा, 30 मार्च 2011 में 50,000 का एक प्रीमियम का डिपॉजिट है, जिसकी वैल्यू आज की डेट में बनी हुई है 1,96,000 सर। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सर पॉलिसी आपको टर्मिनेट के लिए आई है, तो आपको रिमाइंडर दिया जा रहा है। डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा फॉलोअप लेकर पॉलिसी में चलना चाहते हैं, कंटिन्यू या फिर मैच्योरिटी। कंटिन्यू या मैच्योरिटी? हाँ जी। तो मैच्योरिटी में क्या मिलेगा? सर मैच्योरिटी में आपको IRDA गाइडलाइन के अनुसार अपनी पॉलिसी का मिनिमम 11 पीरियड कम्प्लीट करना है, यानी कि पॉलिसी के 3 प्रीमियम आपको डिपॉजिट करने होंगे। एक डिपॉजिट है, 2 अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो प्रीमैच्योरिटी क्लेम ले सकते हैं, उसमें जो आपको बैलेंस रिफंड होगा 3,10,000 से 3,25,000 रुपए के बीच में रिफंड होगा सर। अच्छा, तो ये पॉलिसी जो मेरे नाम में है, ये आप मेरे पास उसकी कॉपी नहीं है, आप भेज सकते हैं? सर उसके लिए आपको बताना चाहूँगा, आपको एक पुलिस एफआईआर दर्ज करानी होगी और एक एफिडेविट बनवाना होगा सर। वो तो बना लेंगे, पर पॉलिसी का डिटेल्स तो पता चले ना, पॉलिसी का नंबर वगैरह तो पता चले, तभी तो एफआईआर होगी। आप अपना पॉलिसी नंबर नोट डाउन कर, आप ऑनलाइन आईसीआईसीआई की साइट पर चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो आपके एफिडेविट जो CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, उनका नंबर आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो आपके ऑफिस एड्रेस फॉर्म एड्रेस जहाँ पर भी आप बनोगे टीम मेंबर आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। नहीं तो आप क्या प्रोवाइड करेंगे, पॉलिसी नंबर प्रोवाइड करेंगे? सर पॉलिसी नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा और जो 2 ऑप्शन पॉलिसी में आपको मिले वो आपको बताए जाएंगे। डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा फॉलोअप लेकर चलना चाहेंगे। आपके पास पॉलिसी का डिटेल्स है ना, मुझे उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दो व्हाट्सएप पर। सर आप अपना पॉलिसी नंबर नोट डाउन करके इसे ऑनलाइन आईसीआईसी की साइट पर चेक कर सकते हैं। ओके, बोलिए बोलिए क्या नंबर है? पॉलिसी नंबर आपका 1529। हाँ जी। ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल का है? हाँ जी। ये कौन सा किस नाम से है? प्लान का नाम सर आईप्रू ग्रोथ प्लान था। आईप्रू? हाँ जी, आईप्रू ग्रोथ प्लान। आईप्रू ग्रोथ प्लान सर 10 साल का इंश्योरेंस प्लान था। 85,000 रुपये पर मंथ ना? ठीक है, मैं देखता हूँ इसको। आप अगर किसी को भेज सकते हो तो भेज भी देना। सर उसके लिए आपको कांटेक्ट करना हो CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर से, वही आपके ऑफिस एड्रेस फॉर्म एड्रेस पर आपके लिए टीम मेंबर प्रोवाइड करवा सकते हैं सर। हाँ तो बताइए क्या नंबर है उनका? नंबर सर 7838 6232 3715। ठीक है, क्या नाम है? विशाल शर्मा इनका नाम है। तो आपको बताना चाहूँगा सर, जो 2 ऑप्शन आपको आईसीआईसी की तरफ से मिल रहे हैं वो दोनों मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी फॉलोअप आपको होगा आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको पहला ऑप्शन है कंटिन्यू का, 2012 से लेकर 19 तक के जो भी प्रीमियम छूटे हुए हैं, यदि आप उन्हें बिग पेनल्टी डिपॉजिट करते हैं एक साथ तो आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू चला सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप कंटिन्यू नहीं चलाते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है प्री मैच्योरिटी क्लेम का। उसके लिए आपको अपनी पॉलिसी का मिनिमम 11 पीरियड कम्प्लीट करना है, यानी कि पॉलिसी के 3 प्रीमियम आपको डिपॉजिट करने होंगे। एक डिपॉजिट है, 2 अगर आप और डिपॉजिट करते हैं तो प्री मैच्योरिटी क्लेम ले सकते हैं, उसमें जो बैलेंस आपको रिफंड होगा तो 3,10,000 से 3,25,000 रुपए के बीच में रिफंड होगा। कितना? 3,10,000 से 3,25,000 रुपए के बीच में आपको रिफंड होगा। डिपेंड आप पर करता है आप कौन सा फॉलोअप लेकर चलना चाहेंगे सर। जो 50,000 का आपको एक प्रीमियम डिपॉजिट हुआ है उसकी वैल्यू आज की डेट में बनी हुई है 1,96,000 सर। वो हमें मिल नहीं सकता ना जब तक हम 2 और जमा ना करें। अभी अगर उसको हम ऐसे ही छोड़ दें तो कितने पैसे मिल सकते हैं? सर मैच्योरिटी टाइमिंग में 2021 में आपकी 5 से 10% आपको रिटर्न होगा सर प्रीमियम का। 5 से 10% होगा? हाँ जी। मतलब अगर 2021 में कितने पैसे मिलेंगे?
सर आपका जो पॉलिसी का प्रीमियम है 50,000 का, उसका 5% ही आपको रिटर्न होगा सर। मतलब 2,500 रुपये? हाँ जी। सिर्फ 2,500 रुपये मिलेंगे जी? आप मिस्टर विशाल शर्मा जी से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, सर अजय सिंह की बात की, मेरा पॉलिसी नंबर ये है, मैं किसी कारणवश पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं चला पाया था, तो आज की डेट में जो भी आपका फॉलोअप है दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आपका ऑफिस कहाँ है? आपके ऑफिस में आ सकते हैं? सर मैं मुंबई हेड ब्रांच बांद्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स वी विनिंग से अजय बात कर रहा हूँ। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मुझे अभी अजय का फोन आया था, कुछ पॉलिसी है जिसका प्रीमियम लैप्स बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह भल्ला। राजेंद्र सिंह भल्ला। पॉलिसी नंबर भी बताऊं? बताइए। 152 931। हाँ। 60। रजिस्टर्ड नंबर यही है आप? हाँ जी। हाँ जी, रजिस्टर्ड नंबर यही है आपका? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, आप मुझे 5-10 मिनट दो, मैं चेक करके कॉल बैक करता हूँ आपको। ठीक है, ओके। हेलो। 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 हाँ जी। सर राजेंद्र सिंह भल्ला जी बोल रहे हैं? हाँ जी। अभी कॉल किया था आपने आधा घंटे पहले, एक पॉलिसी नंबर दिया था आपने, 1529-3163। हाँ जी। हाँ जी। ओके भल्ला सर, पॉलिसी के सिक्योरिटी पर्पज से मुझे एक बार आपका DOB कंफर्म करना होगा सर। DOB कंफर्म कराएंगे अपना? 20 अप्रैल 1963। ओके सर, जो नंबर दिया आपने पॉलिसी का, वो पॉलिसी आपके नाम से है, 50,000 रुपए इसमें एक ही बार जमा हुआ है 28/3/2011 में, और उसके बाद से इस पॉलिसी में कोई भी कॉल कोई भी प्रीमियम जमा नहीं हो पाया। ये बेसिकली 10 साल का प्लान था और इसमें आपको रेगुलर 10 साल पे करना था, लेकिन सर 2011 में काफी सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जो एजेंट के आए थे इसी में, इन लोगों ने काफी सारे कस्टमर्स को ये बोल के पॉलिसी सेल कर दी कि आपको एक ही साल देना है। कस्टमर को बोला गया कि आपको एक ही साल देना है, एक ही साल इसका प्रीमियम पे करना है, और पॉलिसी सेल कर दी उनको। उनको बोला है कि आपको 2-2.5 साल बाद डबल मिल जाएगा, इस तरह बोल दिया। ठीक है, अब आगे उनको अपना कमीशन मिल गया, एजेंट को उसने कोई भी आपको सर्विस नहीं दी। ठीक है, जिस वजह से फिलहाल जो पॉलिसी है आपकी वो टर्मिनेशन मोड में है, लेकिन एक सबसे अच्छा में ये हुआ सर कि जो पॉलिसी का अमाउंट था उसने वो शेयर मार्केट पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो पॉलिसी के जो नेट एसेट वैल्यू है मार्केट के हिसाब से वो 1,96,284 रुपीज हो चुकी है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि आप इसको क्या करना चाहते हो सर। पॉलिसी टर्मिनेशन मोड में है, अगर अभी भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो पॉलिसी यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगी। मुझे बताया था कि उसमें दो ऑप्शन है कि एक तो पूरे प्रीवियस प्रीमियम दे दिए जाए, और एक ये है कि 2 साल के लिए प्रीमियम दे दिया जाए, तो टोटल 3 हो जाएंगे, तो मुझे करीब 3,00,000 रुपए मिल जाएंगे। हाँ, वैसे अभी क्या करते हैं सर भल्ला जी आप? मैं अभी बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, ठीक है सर। मैं खुद ICICI में हूँ एज ए CRM सपोर्टिंग टीम में, तो मैं आपको वही चीज एडवाइस करूंगा जिसमें आपके लिए जो बेस्ट होगी। ठीक है, तो मेरा कोई, क्योंकि आपसे कोई वो नहीं है कि मैं सर ये काम करवा रहा हूँ उसके लिए मुझे अलग से कुछ लेना है आपसे, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। ठीक है, मेरी सैलरी आती है, तो यहाँ पे सबसे जो अच्छा ऑप्शन आपके पास है, अगर मुझसे पूछे विशाल क्या करना चाहिए, तो मैं भी आपको प्री मेच्योरिटी ही एडवाइस करता। ठीक है, क्या होता है सर, इंश्योरेंस के रूल्स के हिसाब से जब भी कोई पॉलिसी आप लेते हो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की, अगर वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है 10-15 साल की पॉलिसी है, तो एटलीस्ट आपको कंपनी ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके साथ कंपनी का और आपका कि हाँ उतने साल तक आप उस कंपनी में जुड़े रहोगे, प्रीमियम पे करोगे आप। ठीक है, लेकिन किसी वजह से अगर कस्टमर प्रीमियम पे नहीं कर पाते, एजेंट भाग गया, कुछ फाइनेंशियल इश्यू आ गए, कुछ दिक्कत आ गई, तो उसमें कंपनी कहती है कोई बात नहीं, आपने 10 साल जमा नहीं किया, आपने 5 साल जमा नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट आप कम से कम इसमें 3 साल का अपना लॉकिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हो, 3 इयर्स का अपना लॉकिंग टाइम कंप्लीट कर लेते हो, तो हम आपका पैसा आपको वापस कर देंगे। ठीक है, अब वो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, मतलब 11 में आपने जमा किया, आज उसकी वैल्यू 96 हो चुकी है, अगर आप 2012 और 2013 का 50,000 रुपए का 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर देते हैं, तो आपको इसी साल अगस्त में आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, एंड ऑफ अगस्त तक। ठीक है, अब वो वैल्यू कितनी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी 196 है आपका, 50 आपने 12 का पे कर दिया, 50 13 का पे कर दिया, टोटल 1,00,000 हो गया आपका, तो 1,00,000 जोड़ दो उसमें,
टोटल कितना हो गया 296,000 रुपए। तो 296 की जो वैल्यू मिलेगी आपको अगस्त में वो वैल्यू होगी आपकी 310,000 से लेके 325,000 के बीच में, और पॉलिसी में ही पे आपकी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपकी हाईएस्ट वैल्यू हम क्लेम कर सके। तो अगर मैं पिछले एक दो साल की बात करूं तो सभी को कस्टमर्स को 320-322 के आसपास की वैल्यू उनको सभी को मिली है जिन्होंने क्लेम किया है। ठीक है, तो अगर आप कंफर्म करते हैं कि हाँ सर मैं इसको क्लेम करना चाहता हूँ और मैं दो प्रीमियम मैं दे सकता हूँ, तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता दूंगा कि कैसे आपको इसको प्रीमियम पे करना है, कहाँ बात करनी है और आप पे करना है, ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अभी कहाँ रहते हैं सर? विकासपुरी। विकासपुरी आप रहते हैं अभी? अपनी मतलब आप कंपनी में ही है, ऑफिस में आपने? नहीं अभी तो घर पर ही हूँ। अभी घर पे हैं, ठीक है। अब इसके डॉक्यूमेंट्स कैसे करने हैं, कहाँ मिसप्लेस कर दी मैंने? सर कोई सर देखो कंपनी ने तो डॉक्यूमेंट सबको भेजे थे, और कंपनी का हर इंश्योरेंस कंपनी सेंड करती है, 7-10 डेज में हर कंपनी डॉक्यूमेंट्स भेजती है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी है मिसप्लेस हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लेम नहीं कर सकते। आपको जब नए सिरे से आप KYC कराओगे, आधार कार्ड पैन कार्ड अपना प्रीमियम पे करोगे, फोटो आप दोगे, ठीक है, तो दोबारा आपके पास 7-10 डेज में प्रीमियम जमा करने के बाद, पहले प्रीमियम सबमिट होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे आपके, और 7-10 डेज में सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव हो जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी भी हार्ड कॉपी भी। अच्छा वैसे नहीं मिल सकते? नहीं सर अभी तो पॉसिबल, पॉलिसी टर्मिनेशन बोर्ड में है ना सर, तो आपका स्क्रीनशॉट तो आप फोटो खींच के तो भेज सकते हो मेरे पास उसके पॉलिसी की? अलाउ नहीं है सर ऐसे ना। अभी चेक से पेमेंट करनी है ना या कैश देना है? नहीं कैश तो बिल्कुल नहीं देना सर, चेक से कर सकते हो या ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन करोगे वो भी सेफ है, आप स्कैन भेजते हो अपनी। ऑनलाइन कैसे भेजूं मैं? अभी मैं बता, पहले मैं आपको बता दूं करना कैसे, कहाँ कांटेक्ट करना है, ठीक है। इसमें छोटा सा कंसर्न ये है कि जो प्रीवियस पॉलिसी है वो शेयर मार्केट पॉलिसी है आपकी, ठीक है, जो प्रीवियस पॉलिसी है आपकी वो शेयर मार्केट है, टर्मिनेशन बोर्ड में है। ये तो अच्छी बात है कि उस एजेंट ने आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, आपकी वैसे 196,000 है, ठीक है। लेकिन सर अब हम दोबारा इस पॉलिसी पे रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि पॉलिसी को अगर इंश्योरेंस के रूल्स के हिसाब से 5 साल के अंदर क्लेम कर लेते हो, ठीक है, मान लो आप 2016 से पहले मेरी आपसे शायद बात हुई होती है, आपका आपका एजेंट आपको बता देता, ठीक है, तो 5 साल से पहले आप इसको क्लेम करके अब तक तो आपकी वैल्यू आपको मिल चुकी होती, ठीक है। लेकिन पॉलिसी 5 साल से भी ज्यादा पुरानी है तो सर इस केस में एप्लीकेबल होता है आपका इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एक्ट, ऐसे ही केसेस के लिए जिनका पैसा ब्लॉक हो चुका था, पॉलिसीज का 5 साल ज्यादा हो चुकी थी पॉलिसियां, तो ऐसे केसेस के लिए गवर्नमेंट ने एक कानून निकाला था कि आप का पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है उस सेम कंपनी से, तो आप अनदर दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में उसकी पॉलिसी को पोर्ट करके आप अपनी वैल्यू को ले सकते हो। जैसे आप मोबाइल नंबर पोर्ट करते हैं, नंबर हमारा सेम रहता है, बस कंपनी की सर्विसेज चेंज हो जाती है, ठीक है। सेम हेल्थ पॉलिसी होता है, हेल्थ पॉलिसी भी आप 1-2 साल बाद आपको छीनी है तो 3-4 साल आप उसको चेंज करके दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में पोर्ट कर सकते हो। अब आपको सर्विस दूसरी कंपनी देगी और प्रीमियम भी आप नेक्स्ट कंपनी को ही दोगे। तो मतलब ICICI से ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर सकते हम? बिल्कुल हाँ, ICICI से नहीं कर सकते सर इसको, क्योंकि 5 साल से ज्यादा हो चुकी है। अब इसी देखो सर, आपकी शेयर मार्केट पॉलिसी है ये तो अच्छी बात है, इसकी 196,000 वैल्यू है। मैं आपको बोलता हूँ दोनों प्रीमियम उसी में जमा कर दो, कितना हो गया 296 हो गया, ठीक है, 296 हो गया। पता लगा 2-3 महीने बाद शेयर्स गिर गए, ठीक है, ICICI के, और आपकी 296 की वैल्यू पहुंच गई 2.25 लाख पे या 2.5 लाख पे, तो उस टाइम पे आप मुझे ही ब्लेम करोगे कि विशाल जब आपको पता था कि ऐसे चांसेस है तो आपने मुझे बताया। सर उसमें हो नहीं सकती ना, नहीं उसी में कर लेते हैं, आप कह रहे हो ना कि वो शेयर वैल्यू कम हो जाएगी तो होने दीजिए, देख लेते हैं क्या पता ज्यादा ही हो जाए। आजकल तो सब कह रहे हैं मोदी आएगा तो ज्यादा हो जाएगी। मैंने एक ऑप्शन दिया आपको, ऐसा पॉसिबल था 5 साल से पहले, ठीक है, बट अभी नहीं कर सकते सर उसको आप, ऐसा उसमें क्या दिक्कत क्या है करने में? सर दिक्कत है तभी तो बता रहा हूँ, उसमें नहीं हो पा रहा है। क्या दिक्कत क्या है वो बता दीजिए ना मेरे को। सर दिक्कत यही तो है कि उसमें क्लेम नहीं कर सकते आप, क्या कारण क्या है? कारण ये है कि पॉलिसी एक्टिव मोड में नहीं है, पॉलिसी मैंने बताया ना 5 साल तक एक्टिव रहती है, अगर 2016 से पहले क्लेम कर लेते तो आपका ICICI में ही हो जाता। 5 साल वाला एक्टिव वाला कौन से रूल्स में है वहाँ पर वो बताओ ना, रूल्स कहाँ पर हैं ये 5 साल और 10 साल वाले? सर पॉलिसी एक्टिव नहीं है ना, टर्मिनेशन मोड में है, तो सेम ICICI में, तो खुद ICICI में हूँ सर। अब मैं आपको जो पेमेंट दूंगा 1 लाख रुपए की, चेक के पीछे पॉलिसी नंबर लिख सकता हूँ ना आपने जो बताया? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, तो वो उसी फिर पॉलिसी में ही जाएगा सर उस पॉलिसी। सर मैं आप मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं भी इस कंपनी में हूँ और मैं भी आई थिंक इतने साल से काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी नॉलेज होगी सर इस चीज़ की कैसे क्लेम करना है, ठीक है।
आईसीआईसी में नहीं हो पा रहा है सर, तभी तो मैं आपको अदर कंपनी का ऑप्शन दे रहा हूँ पोर्टिंग का। और सारी इंश्योरेंस कंपनियां आईआरडीए रजिस्टर्ड है सर, तो ऐसा नहीं कि पोर्टिंग पोर्टिंग का ऑप्शन है तभी आपको बताया जा रहा है। कौन सी कंपनी से बोल रहे हो, आईसीआईसी से बोल रहे हो किसी और कंपनी से? मैं आईसीआईसी हूँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं खुद आईसीआईसी में हूँ। तो आप किसी और कंपनी की पॉलिसी कैसे दे सकते हो मेरे को? सर आपका आईसीआईसी में नहीं हो पा रहा, तभी तो अदर कंपनी के लिए बोल रहा हूँ आपको। डेफिनेटली, पर आप तो आईसीआईसी में काम करते हो, सैलरी मिलती है ना आपको आईसीआईसी से, तो क्या दिक्कत है सर? दूसरे का बिजनेस कैसे कर सकते हो, दूसरी कंपनी का रिलायंस का कैसे कर सकते हो? पेमेंट तो आप सैलरी तो वहाँ से ले रहे हो। दूसरी कंपनी का बिजनेस, मैं तो मेरा काम आपका प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं है सर। हाँ जी, मेरा काम आपको सही, सर मेरा काम प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं है। हाँ जी, मेरा काम है आपको सही चीज एडवाइस करना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर उसी के साथ तो आपकी ईमानदारी भी रहनी चाहिए ना, कि आप सैलरी एक से ले रहे हो, काम दूसरे का कर रहे हो। किसने कहा मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप दूसरी कौन सी कंपनी का दोगे मुझे, आप कह रहे हो किसी और कंपनी का दोगे, तो इसका मतलब आप दूसरी कंपनी की पॉलिसी बेच रहे हो मेरे को। सर दूसरी कंपनी की पॉलिसी मैं बेच रहा हूँ? आप आईसीआईसी की पॉलिसी देंगे मेरे को? सर आईसीआईसी में क्लेम नहीं हो पा रहा है, तभी तो मैं अदर कंपनी के लिए बोल रहा हूँ आपको। हाँ तो कौन सी कंपनी में करूँ बताओ तो सी। सर आप पूरी बात सुन कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं दूसरी कंपनी की पॉलिसी बेच रहे हो आप। अच्छा अच्छा, क्या पॉलिसी बेची नहीं जा रही सर? आप सजेस्ट कर रहे हो पॉलिसी को? अच्छा, पॉलिसी बेची नहीं जा रही है आपको, आप पॉलिसी क्लेम कर रहे हो अपनी। हाँ। और मैं आईसीआईसी की पॉलिसी में, इसलिए मैं आपका आईसीआईसी में नहीं हो पा रहा, तभी तो बोल रहा हूँ आपको अदर कंपनी के लिए। मैं दूसरी कंपनी का बिजनेस नहीं कर रहा यहाँ बैठ के सर। ओके ओके, तो फिर क्या करना, क्या है मुझे थोड़ा टाइम दो ना सर, आप जल्दीबाजी करोगे तो ऐसे मुझे लगता नहीं प्रीमियम पे कर पाओगे आप। क्यों, उसमें क्या जल्दबाजी, तो आप कह रहे थे कि आज ही करना है कल ही करना है। आज ही करना है, आज ही करना है, प्रीमियम तो आपको आज ही पे करना है। आप मन में क्वेश्चन आ रहा था, ये बोलो लोग बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं वाला, कि यार आप तो विशाल आईसीआईसी में हो तो आप किसी और कंपनी के लिए कैसे बोल रहे हो? हाँ ठीक है सर, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, आप करवाओगे तो ठीक है, नहीं भी करवाओगे तो ठीक है, मेरी कंपनी की सैलरी मुझे मिल रही है पूरी। अगर मैं पॉलिसी अदर कंपनी को बेच रहा हूँ उससे मेरा कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला। और ये नंबर जिससे मैं बात कर रहा हूँ रिकॉर्डेबल नंबर होते हैं सर सारे। अच्छा हाँ जी ठीक है, तो ऐसा आप इसकी रिकॉर्डिंग दे सकते हो? जी हेलो हेलो, आप इसकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हो मेरे को? सर अभी अभी किस लिए भेजूंगा आपको मैं? आप कह रहे हो ना रिकॉर्डेबल होता है। हाँ तो आपको शेयर नहीं कर सकता ना, कंपनी की गाइडलाइंस है सर, वो कैसे तोड़ दूंगा? ओके ओके, वो कंपनी के प्रूफ के लिए ना, आपको थोड़ी शेयर कर सकते हैं। ठीक है बताइए, अब मुझे करना क्या है ये बताइए ना सर। इसमें ये करना है कि आपके पास दो ऑप्शन इसके अलावा है, पहला जो जिस कंपनी में इसको पोर्ट किया जाएगा, एक HDFC है और एक इंडिया फर्स्ट है। ठीक है, इन दोनों में से आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मुझे क्या करना होगा उसमें? हाँ बताओ किससे बोर्ड करना चाहते हो आप, HDFC या इंडिया फर्स्ट? HDFC में। HDFC में चाहते हो, तो अब यहाँ से क्या होगा, मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा आपकी IRDA को। ठीक है, अच्छा, हाँ। क्लाइंट है मिस्टर राजेंद्र सिंह भल्ला जी, अपनी पॉलिसी क्लेम करना चाहते हैं, और IRDA रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा लोकल आपके जो HDFC के RM है, जो HDFC के सेटलमेंट देखते हैं, और HDFC से आपके पास कॉल आ जाएगा। तो अब आपको जो डॉक्यूमेंटेशन करने होंगे, जो प्रीमियम आप पे करोगे, वो HDFC लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जाएगा, और 196,000 की जो वैल्यू थी ICICI वाली, वो HDFC की पॉलिसी में पोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तब जाके आपको अगस्त में 3.25 करीब आपको 3.20 मिल पाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हमारा कंसर्न ये है सर, हमारा कंसर्न ये नहीं कि पॉलिसी बेच दो, पॉलिसी आपको दी जा रही है, वो पॉलिसी एप्लीकेबल होगी सिर्फ जुलाई तक, अगस्त तक। ठीक है, अगस्त में आपका पैसा आपको मिल जाएगा तो पॉलिसी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पे ICICI क्या प्रॉफिट हुआ, अब कंसर्न था ना कि भाई आप तो काम कर रहे हो ICICI के लिए, पॉलिसी उसकी बेच रहे हो, तो पॉलिसी सिर्फ आपकी पॉलिसी को प्रीवियस अमाउंट को क्लेम करने के लिए प्रोसेस की जा रही है, न्यू पॉलिसी HDFC की। अब वो पॉलिसी एप्लीकेबल होगी सिर्फ अगस्त तक, अगस्त में पैसा आपको मिल जाएगा, पॉलिसी वहीं से आपकी स्टॉप हो जाएगी। जो गलती एजेंट कर चुके हैं वो गलती ICICI दोहराना नहीं चाहता, ICICI आज भी चाहता है सर कि जो गलती एजेंट ने करी वो ऐसी ना दोहराई। आप कभी भी फ्यूचर में जब ICICI में एंटर करो, अब ये सोचिए ना हो सर मेरी पॉलिसी का पैसा था मुझे नहीं मिला, आप ये सोच के आप आओ कि मेरी पॉलिसी का पैसा मुझे मिल गया, ICICI वालों मेरी हेल्प करी और मैं आगे भी ICICI के साथ काम करना चाहूंगा। ये मुझे बता रहे थे कि मैं अपनी पॉलिसी की डिटेल्स ऑनलाइन भी देख सकता हूँ, देख सकता हूँ क्या? सर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आप खुश और नहीं है सर अपनी पॉलिसी को लेके। हाँ जी, आप खुश और नहीं है सर पॉलिसी को लेके? आप नहीं नहीं, आप जो बता रहे हैं ICICI की पोर्टल पर है वो सब मैं देख रहा हूँ। आप खुश और नहीं है ना सर पॉलिसी के लिए, पॉलिसी आपकी है या नहीं है? मेरे पास है नहीं ना पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, मैंने बताया था, मुझे बताया था कि सर 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 एक सेकेंड सुन लीजिए,
क्या आप श्योर नहीं है सर पॉलिसी को लेके अपनी की? मैं तो चेक कर लिया पॉलिसी आपके नाम से, आप मुझे बताएं कि आप तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा क्या? मैं भी श्योर हो जाऊंगा, डबल श्योर हो जाऊंगा। सर आपको कितनी बार रिपीट करूं, पॉलिसी टर्मिनेशन बोर्ड में है, अगर पॉलिसी एक्टिव होती तो डेफिनेटली मैं आपको क्लेम करवा देता उसको ऐसे। नहीं नहीं क्लेम तो नहीं, पर देख भी नहीं पाऊंगा ना मैं इसको। टर्मिनेशन बोर्ड में जो पॉलिसी होती है ना, तो उसका डेटा ऑटो मोड में ही ऑनलाइन या ऑफलाइन से हाइड हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो आपकी पॉलिसी है, जो आप IRDA को लेटर लिखोगे तो कैसे लिखोगे उसके? ऑनलाइन ही लिखोगे? लेटर नहीं लिखूंगा, रिक्वेस्ट जाएगी सर। हाँ, वो रिक्वेस्ट ऑनलाइन जाती है। हाँ जी। अच्छा, और उसके बाद फिर HDFC की, उसके बाद फिर HDFC से HDFC को रिक्वेस्ट आ जाएगी और HDFC से आपके पास कॉल आ जाएगा। तो वो ये पॉलिसी नंबर उनको मालूम हो चलेगा ना, उनके पास ये पॉलिसी नंबर होगा? हाँ पॉलिसी नंबर होगा, लेकिन वो कुछ डिटेल नहीं दे पाएंगे। कभी आप वहाँ भी बोलो सर डिटेल भेजो, मुझे डॉक्यूमेंट भेजो। तो उनको क्या बोलना है? डॉक्यूमेंटेशन कराना। नहीं तो वो डिटेल्स के बिना हमें पैसे कैसे देंगे? पैसे आप देंगे या वही देंगे? पैसा आपके पास HDFC से आएगा। तो HDFC वालों के पास डिटेल होगी ना ये सब? उनके पास तो मैं सिर्फ आपका नाम नंबर भेज रहा हूँ, ठीक है? तो फिर डिटेल्स कहाँ से आएगी? तो वो तो जब आप क्लेम करोगे, प्रीमियम पे करोगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आएंगे ना आपके पास 7-10 days में? नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट तो बाद में आएंगे, पर HDFC को तो पहले ही डॉक्यूमेंट भेज रहे हो ना आप। HDFC डॉक्यूमेंट पहले से कहाँ से भेज दो सर? तो अभी क्या करेंगे HDFC वाले? HDFC डॉक्यूमेंट कलेक्ट कराएंगे आप या ऑनलाइन प्रीमियम पे कराएंगे? आपसे ऑनलाइन प्रीमियम पे कराएंगे, तो उसमें मेरा प्रीवियस पॉलिसी की कोई डिटेल उनके साथ शेयर नहीं कर सकता मैं? प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स क्या शेयर करनी है आपको? कि मतलब उनसे भी तो कंफर्म कराऊंगा ना मैं कि इतने 1,90,000 रुपए आपके पास आ गए कि नहीं आ गए। हाँ वो तो बताएंगे ना आपको उसके बारे में। हाँ बताएंगे ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे सर। ठीक है ठीक है सर। थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं कि मुझे लग नहीं रहा कि शायद आप इसको क्लेम करना चाह रहे हैं। नहीं मैं क्यों नहीं क्लेम करना चाहूंगा यार, याद कर रहे हो आप तो। नहीं आप कह रहे हो ना कि वो बताएंगे, वो तो डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे, और ये वैल्यू मैं वहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट के साथ ही भेजूंगा कि 196 की आपकी वैल्यू है। ऐसे जो भी डॉक्यूमेंटेशन कराएगा उसको मालूम होगा ना ये सब चीजें डिटेल्स? हाँ उनको पता होगा कि हाँ पॉलिसी पोर्टिंग के लिए आई है हमारे पास। हाँ पोर्ट के लिए आई है और पुरानी पॉलिसी ये है हमारी। हाँ जी, लेकिन पुरानी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे आपको कभी, उनसे भी आप कहोगे डॉक्यूमेंट्स सेंड करो। डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे मुझे? तो डॉक्यूमेंट्स आप नहीं मिल सकते ना। तो जो वो डॉक्यूमेंट या पेपर साइन कराएंगे उसमें पुरानी पॉलिसी का कोई रेफरेंस होगा, कोई अमाउंट लिखा होगा उसमें? सर वो हमारा काम है ना उसको मर्ज करना, मेरे पास नंबर है पॉलिसी का नंबर, उसकी फंड वैल्यू है। तो आप कितने मर्ज करेंगे? HDFC की पॉलिसी में करेंगे। नहीं नहीं कब करेंगे? जब मैं पॉलिसी के पैसे दे चुका हूँ। जब प्रीमियम पे कर चुके होंगे आप सर। तो आपको कैसे पता चलेगा? आप तो इसको वहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पॉलिसी इशू हुई नहीं हुई? क्या नहीं हुई इशू? HDFC ने पॉलिसी इशू करी नहीं करी आपको कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता? मैंने कब कहा मुझे पता लगेगा? तो आप कैसे मर्ज करोगे वही तो मैं जानना चाहता हूँ ना, आप कैसे मर्ज करोगे कि मेरी नई पॉलिसी HDFC में कौन सी है? आपको HDFC वाले मर्ज करेंगे, उसमें आपको भेज दूंगा आपकी, वो मर्ज HDFC वाले करेंगे सर। तो अगर HDFC वाले मर्ज करेंगे तो जो मेरे से डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे तो वो मुझसे दोनों पॉलिसी का डिटेल लेंगे ना कि ये वाला नया पॉलिसी नंबर है और ये वाला पुराना है, दोनों को मर्ज करके हम ये वाला काम कर रहे हैं? पुराने की जरूरत नहीं है, अभी पुराना नंबर भेजूंगा ना वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट के साथ, आपका नंबर, प्रीवियस पॉलिसी की फंड वैल्यू, आपका पुराना पॉलिसी नंबर, आपका ड्यू भी वो सेंड करूंगा सर। आपका ये नंबर मतलब ये वाला जो ऑफर है आज ही तक के लिए? हाँ जी सर, शाम तक के लिए। अगर शाम तक इसमें प्रीमियम डिपॉजिट नहीं होता है तो ये वाला फोन नंबर, ये वाला फोन नंबर आप शाम तक उठाओगे ना? हाँ बिल्कुल, मैं एक्चुअली ये वाली रिकॉर्डिंग अभी पुलिस कमिश्नर को भेज देता हूँ, उसको बोलता हूँ कि आपसे बात करेगा एक बार। पुलिस कमिश्नर डायरेक्टर? हाँ जी पुलिस कमिश्नर डायरेक्टर। हाँ उनको बोलूंगा कि वो आपको वेरीफाई करेंगे कि आप कहाँ से बोल रहे हो और कैसे बोल रहे हो। अच्छा पुलिस कमिश्नर नाम याद है आपको? अभी कौन है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बना रहे हैं? हाँ जी बताइए। क्या पुलिस कमिश्नर लेटेस्ट कौन है हमारे दिल्ली के अभी? तो क्या करोगे तुम? नहीं पूछ रहा हूँ मैं ऐसे, आप पुलिस कमिश्नर का नाम ले रहे हो तो नेट के ऊपर मिल जाएगा ना? नहीं आपको नाम तो याद होगा। मेरे को किसके याद होगा? मैंने कब कहा मुझे याद है? मैंने कहा कोई? अच्छा तो पुलिस कमिश्नर किस लिए आएंगे सर इसमें?
क्योंकि आजकल वो एडवर्टाइजमेंट आते रहते ना कि IRDAI की इस तरीके से ये लोग झूठ बोलकर अनबिलीवेबल तरीके से बेचने की कोशिश करते हैं, फ्रॉड करते हैं लोग, तो इनकी बातों में मत आओ। तो वो आपके फोन नंबर को वेरीफाई कर लेंगे, आपको कॉल कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, सीधा पुलिस कमिश्नर फोन करेंगे। अरे ईमेल से जाता है ना कंप्लेंट, आपको पता नहीं कभी करी नहीं आपने? नहीं सर, हमने एक आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है ना उसको एक कॉपी में IRDAI में भेज दूंगा चेयरमैन को। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका ईमेल एड्रेस भी चाहिए आपको? बिल्कुल। आपको डर लग रहा है क्या? मुझे डर क्यों लगेगा? 15-20 मिनट में ये वाला आपका जो रिकॉर्डिंग है ये यूट्यूब पर डल जाएगी और आपका फोन नंबर भी डल जाएगा उसमें। अरे भल्ला जी, डर क्यों लगेगा मुझे? नहीं डर लग रहा ना बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं। कोई पैर वैर नहीं कांप रहे आपके? हाथ नहीं कांप रहे? ये आपकी कांप रहे होंगे सर, मेरे क्यों कांपेंगे? जो आदमी चोरी करता है एकदम खाली बैठे हो एकदम। अरे खाली नहीं, मैं YouTube पर मेरा चैनल चलता है जिसमें ऑलरेडी HDFC की और बहुत सारी कंपनी की इसी तरीके की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी डल चुकी है और मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे जो ये यूट्यूबर होते हैं इनको कुछ काम वाम नहीं होता यार सच में? मतलब और भी काम है दुनिया में करने को, ये यूट्यूब पे अनसेंड वीडियो डालते रहते हो तुम लोग, मतलब तुम्हें कुछ काम नहीं है सच में यूट्यूब पे अलावा? नहीं, लोगों को बताने का काम है ना कि लोग बेवकूफ ना बने तुम्हारी बातों में। तो ये बेवकूफ वाली अच्छा, इसमें क्या आपको फ्रॉड लग रहा है, क्या गलत लग रहा है बताओ? आपका सही क्या चीज लग रही है कि उनको पास पॉलिसी नहीं पहुंचेगी पर वो मेरे से नई पॉलिसी साइन करा लेंगे पेपर? भाई क्यों साइन करा लेंगे जब उनके पास आप पोर्ट करा रहे हो, पोर्ट कराने में क्या दिक्कत है? मैं इसको टर्मिनेट करने के लिए, एक काम करो आप ऑफिस आ सकते हो मेरे झंडे वाला किस लिए? मिलने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन कराओगे ना आप ICC में आके? डॉक्यूमेंटेशन करा दो उसके, ऐसा कर लो। क्या क्या आप ICC में डॉक्यूमेंटेशन करा दो आके? मैंने तो ICIC में कभी कोई पॉलिसी ली नहीं है, तो 50,000 के मैं किसी को 5 रुपए देता नहीं। आप 50,000 रुपए की बात कर रहे हो? तो कॉल किस लिए किया फिर वापस यहाँ पे कि मेरी पॉलिसी नहीं है? अरे तुमने तो कहा कि है, मैंने थोड़ी कहा था कि है, मैंने थोड़ी फोन किया। तुम कह रहे हो कि है, हम बताएंगे, हम कंफर्म करेंगे, हम बताएंगे डिटेल। हम मैं तो जो पहले कॉलर था उसको भी बोला पॉलिसी कॉपी भेज दो। बहुत बड़े खाली हो, बहुत अच्छा। डॉक्यूमेंट की कॉपी लेने आज चलो, ठीक है?